धरती पर इंसानों के दो वर्ग हैं, पहला पुरुष और दूसरा स्त्री। इन दोनों वर्गों के अलावा एक तीसरा वर्ग भी है जिसे अभी तक सामाजिक सामान्यता नहीं मिल पाई है। इस वर्ग की कई बातें एक छुपे रहस्य की तरह है और ये तीसरा वर्ग है किन्नर। किन्नर ज़्यादातर तभी दिखाई देते हैं जब घरों में कोई शुभ कार्य हो रहा हो, जैसे नई शादी का होना या बच्चे का जन्म होना आदि। ऐसे मौके पर किन्नर घर में आते हैं, बच्चों या बहू को आशीर्वाद देते हैं और साथ में ही कुछ दक्षिणा के रूप में पैसे भी लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम किन्नरों के कुछ फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं जो शायद आपको पता भी नहीं होंगे। मेरा नाम है आशीष कुमार, आप देख रहे हैं सिमरन टीवी। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, किन्नरों के जननांग पूरे जीवन भर विकसित नहीं होते, वो जन्म से मृत्यु तक एक ही जैसे रहते हैं। फैक्ट नंबर 2, किन्नर नवजात बच्चों को गोद में लेकर ही पहचान लेते हैं कि वो स्त्री है या पुरुष या फिर किन्नर। फैक्ट नंबर 3, किन्नरों को मरने के बाद जलाया नहीं जाता बल्कि उसे दफनाया जाता है। फैक्ट नंबर 4, किन्नर भी दो प्रकार के होते हैं, एक स्त्री किन्नर और दूसरा पुरुष किन्नर। फैक्ट नंबर 5, स्त्री किन्नरों में पुरुषों जैसे लक्षण होते हैं और पुरुष किन्नरों में स्त्रियों जैसे। फैक्ट नंबर 6, ऐसी मान्यता है कि किन्नरों की दुआ में बड़ी ताकत होती है और किन्नरों को दान देने से बड़े ही पुण्य का काम होता है। फैक्ट नंबर 7, अगर धन की कमी से जूझ रहे हैं तो किन्नर से 1 रुपये का सिक्का लेकर उसे पर्स में रखें। अगर किन्नर आपको सिक्का दे दे तो उसे हरे रंग के कपड़े में लपेटकर पर्स में रखें या तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपको कभी धन की कमी नहीं होगी। फैक्ट नंबर 8, किन्नरों की बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती, इसलिए कभी भी किसी भी हालत में किन्नरों की बद्दुआ ना लें। फैक्ट नंबर 9, ज्योतिषी मानते हैं कि वीर्य और रज के मिलने से इंसान का जन्म होता है। अगर रज की मात्रा ज़्यादा हो तो लड़की का जन्म होता है और अगर वीर्य की मात्रा ज़्यादा हो तो लड़के का जन्म होता है। अगर वीर्य और रज की मात्रा दोनों बराबर हो जाएं तो किन्नर का जन्म होता है। फैक्ट नंबर 10, शास्त्रों के अनुसार पूर्व जन्म के पापों की वजह से ही किन्नरों का जन्म मिलता है। फैक्ट नंबर 11, किन्नरों का भी विवाह होता है लेकिन किन्नरों का विवाह केवल एक दिन के लिए ही होता है। दरअसल किन्नरों के देवता अरावण हैं और इन्हीं से वे एक दिन के लिए शादी करते हैं। अगले दिन किन्नर खुद को विधवा मानकर छाती पीटते हैं और मंगलसूत्र चूड़ियां तोड़ते हैं। फैक्ट नंबर 12, किसी किन्नर की मौत होने पर किन्नर मातम नहीं मनाते बल्कि खुशी मनाते हैं। इनके यहाँ ऐसी मान्यता है कि किन्नर की मृत्यु होने से उसे इस नरक समान जीवन से मुक्ति मिल चुकी है। फैक्ट नंबर 13, किन्नरों का अंतिम संस्कार बहुत ही गुप्त तरीके से किया जाता है। इनके यहाँ मान्यता है कि अगर किसी ने किन्नर के शव को देख लिया तो अगले जन्म में इसे फिर से किन्नर बनना होगा। फैक्ट नंबर 14, कोई किन्नर की शव यात्रा ना देख ले, इसलिए किन्नरों की शव यात्रा रात के समय में निकाली जाती है। फैक्ट नंबर 15, किन्नर की मौत होने पर उसके शव को जूते और चप्पलों से मारा जाता है, ये भी इनकी एक परंपरा है लेकिन पता नहीं क्यों। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।